हेलो एवरीवन, माय वॉइस इज क्लियर? हेलो, वॉइस आ रही है मेरी? यस, तो कल हम लोगों ने नाउन किया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच को फर्स्ट पार्ट किया था, आज हम करेंगे प्रोनाउन। कल के इसमें किसी को कोई डाउट नहीं? तो देखो, प्रोनाउन जो वर्ड है उसमें उसमें भी समझ आ रहा है कि प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है। क्लियर नहीं आ रही? वन मिनट, नेटवर्क इशू भी रहता है। हेलो, आप ठीक है? वन मिनट। हेलो, अब क्लियर है? यस बेटर। ओके, थोड़ा ठीक है। एक्चुअली मैंने कूलर लगाया हुआ है, बहुत गर्मी है यहाँ पे, तो अब अगर कूलर बंद कर दूंगी तब तो ओपन आना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कर लो। तो देखो, प्रोनाउन मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन बीच में ये जो वर्ड है आपका, इसी में ही छुपा हुआ है इसका मीनिंग जो है। देखो जैसे प्रो है, प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो मीन्स राइट, और नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब नाउन, राइट। तो प्रोनाउन का मीन क्या हो गया? प्रोनाउन का मतलब हो गया कि वो नाउन जो है, हम लोग वो प्रोनाउन जो हम नाउन के लिए यूज करते हैं। म्यूट तो हैं सारे, माइक अपना अपना म्यूट कर लो, बहुत डिस्टर्ब। कल भी मैंने सुना बाद में तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा था, प्लीज चेक, सबके माइक जो है वो ऑफ होने चाहिए। ओके, राइट, बहुत लोगों के हैं माइक ऑन। साहिल शर्मा, शिखा, माइक ऑफ कीजिए अपने। अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। इतना टाइम तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। अब पहली क्लास लगने से पहले देख लिया करो कि अब किसके किसके माइक जो है वो ऑफ है, इतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? डेफिनेशन से स्टार्ट करती हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका ये प्रोनाउन वाला, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपको। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड, ये सभी को पता होगी आपकी जो डेफिनेशन है इसकी, इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ, सॉरी फॉर हैंडराइटिंग, प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है? तो ये डेफिनेशन क्लियर होगी आपकी। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड, प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो कि हम लोग नाउन के प्लेस पे यूज करते हैं, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, नाउन आपको सभी को पता ही है कि कौन कौन से होते हैं, फिर भी बता दे रही हूँ यहाँ पे। आई, वी, यू, दे, ये सारे आपके प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब हमें ये बताओ कि प्रोनाउन की जरूरत हमें पड़ी क्यों? नाउ इट्स क्लियर ना? ओके, तो देखो, नाउन की हमें नीड क्यों पड़ी? अगर मैं आपको कहूंगी किसी मतलब गर्ल का नाम लेते हैं हम लोग, जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ,
निधि इज अ गर्ल राइट. निधि लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स. राइट. फिर मैं लिखती हूँ कि निधि वियर्स रेड ड्रेस. तो यहाँ पे आप लोग क्या नोट कर रहे हो कि ये तो नाउन हो गया आपका, निधि इज योर नाउन. ये क्या है आपका? नाउन है. ठीक है. पर निधि की जो रेपिटेशन है वो बार बार हो रही है. यहाँ पे भी निधि आ रहा है, देन यहाँ पे भी निधि आ रहा है. तो नाउन की हमें इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि हम लोग जो है वो बार बार किसी का नाम नहीं लेंगे. तो निधि की जगह पे हम क्या यूज कर देंगे? हम यहाँ पे शी का यूज कर देते हैं. राइट. यहाँ पे शी आ जाएगा, यहाँ पे भी शी आ जाएगा. तो ये आपका जो शी हुआ, दिस इज योर प्रोनाउन. राइट. ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका प्रोनाउन. मतलब अब देखो, अगर प्रोनाउन नहीं होते तो हम किसी चीज का, मतलब नाउन का हम बार बार नेम लेते. ठीक है. तो इसलिए हम लोग जो है वो प्रोनाउन का यूज करते हैं. इज इट क्लियर नाउ? ओके. तो देखो, प्रोनाउन के भी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. इसके जो है जो प्रोनाउन की काइंड्स होते हैं, सॉरी, वो होते हैं नाइन. प्रोनाउन के काइंड्स कितने होते हैं? नाइन. कुछ बुक्स में आपको ये जो है वो सेवन मिलेंगे और कुछ में वन मिनट. Yes, there are nine kinds. कितने kinds होती हैं इसकी? Nine. ठीक है. कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है आपकी personal pronoun, right? Then interrogative मैं सारे नहीं लिखूंगी, वन बाई वन आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी. तो नाइन काइंड्स बता रही थी मैं आपको. फर्स्ट है आपकी पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, रेसिप्रोकल एंड एम्फेटिक. तो हम लोग जो है वो वन बाय वन इसको अब करेंगे. ठीक है. फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन. अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है आपका? पर्सनल प्रोनाउन मतलब जो आपका रिलेट होता है किसके साथ में? पर्संस, एनिमल्स एंड थिंग के साथ में. ये रिलेशन शो करता है किसके साथ में? एक तो पर्सन के साथ, एनिमल्स के साथ एंड थिंग्स के साथ. राइट. जैसे एग्जांपल लेती हूँ यहाँ पे, आई एम स्लीपिंग. इसमें प्रोनाउन क्या है? आई. राइट. नेक्स्ट है यू आर स्लीपिंग. ये भी आपका प्रोनाउन क्या हो गया? यू. देन ही इज स्लीपिंग, विच इज प्रोनाउन ही. तो इस तरह से आपके पर्सनल प्रोनाउन को भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. अब हम पढ़ेंगे इसी के, ये पर्सनल प्रोनाउन के ही पार्ट्स बता रही हूँ आपको. ठीक है.
ये आ गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। इसके कितने काइंड्स बताए मैंने आपको? थ्री। ये है आपका फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, एंड देन थर्ड पर्सन। अब देखिए जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन वो होता है जिससे आप लोग, मतलब जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, बात कर रही हूँ, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। मतलब इसमें कौन कौन से होते हैं? आई एंड वी। ये डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? ये द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, जो आदमी जो है वो बात कर रहा है, जो पर्सन बात कर रहा है वो हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन वो होता है जो सामने वाला, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग मुझे सुन रहे हो, तो आप लोग क्या हो गए? आप लोग हो गए थर्ड पर्सन। मतलब इसका आएगा आपका यू, सेकंड पर्सन इज यू, डिनोट द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात की जा रही है उसको हम सेकंड पर्सन कहते हैं। और जो थर्ड पर्सन हो गया आपका, वो हो गया जिसके विषय में बात की जा रही है, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात होती है, इसमें आ जाएगा आपका ही, शी एंड इट, राइट। ये डिनोट करता है आपका द पर्सन स्पोकन अबाउट, द पर्सन स्पोकन अबाउट, राइट। तो ये पर्सन जो है आपने याद रखे हैं, आगे जब टेंसेस करवाएंगे उसके उसके लिए भी आपको इनकी काफी नीड पड़ने वाली है, ठीक है। आई रिपीट अगेन, फर्स्ट पर्सन आई एंड बी डिनोट करता है जो बात कर रहा होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है? यू, जिसके साथ आप बात कर रहे होते हो, और थर्ड पर्सन वो होता है ही शी इट, जिसके विषय में बात की जा रही है। क्लियर? यस। नेक्स्ट है अब आपका, अब जो है इसके हम केसेस पढ़ेंगे, कुछ केसेस होते हैं इसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझना। पहला केस लेंगे हम सब्जेक्टिव, पूरा बताऊंगी आपको, इसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सब्जेक्टिव केस आ गया, सेकंड आ गया आपका ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड आ गया आपका पोजेसिव। पोजेसिव केस, ये केस है आपके, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्टिव केस में कुछ नहीं होता, सब्जेक्टिव केस वो होते हैं जिनका जो इस्तेमाल होता है, जिनका जो यूज होता है, वो सब्जेक्ट की तरह किया जाता है। पहले मैं आपको इसके प्रोनाउन लिखा देती हूँ, नीचे फिर सारा एक्सप्लेन करवा दूंगी, ठीक है। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन सा लेते हैं हम? आई, वी, यू, दे, ही, She, it. ये आपके सब्जेक्टिव हो गए। अब मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ, पहले सब्जेक्टिव केस फिर ऑब्जेक्टिव केस करेंगे हम। देखिए सब्जेक्टिव केस क्या होता है, क्या बताया मैंने अभी आपको? सब्जेक्टिव केस वो होते हैं जिनका जो प्रेशर है, जिनके मतलब सब्जेक्ट पे पूरा सब्जेक्ट काम करता है। जैसे सेंटेंस के अंदर जो होता है वो सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। जैसे ये है आई लाइक केक, केक किसको पसंद है, किसको पसंद है? मुझे आई लाइक केस में केक पसंद करता हूं, करती हूँ, कुछ भी है। तो ये सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका आई। यहाँ पे ये वी वन आ गया आपका,
और ये ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्टिव को हम इस टाइम छेड़ेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि हम लोग सब्जेक्टिव केस कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट जहां पे मतलब पूरा का पूरा प्रेशर सब्जेक्ट के ऊपर पड़े उसको हम सब्जेक्टिव केस लगाते हैं उस केस में, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे आई गो टू स्लीप, आई गो टू, ये सब्जेक्टिव केस आपका बहुत इजी है, सबसे ज्यादा इजी। कौन सोने जा रहा है, मैं सोने जा रहा हूँ, तो ये भी सब्जेक्ट, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, तो इसका यहाँ पे भी आप लोग सब्जेक्टिव केस का यूज करोगे, ठीक है। इसी तरह से काफी एग्जाम्पल है, जैसे ही डजंट टेल ए लाई, दे गो टू मार्केट, ठीक है, जहां नेटवर्क प्रॉब्लम। अब आ रही है अंकिता, अपना माइक ऑफ करो। यस, यहां समझ आ गया आपको कि सब्जेक्ट, आप ठीक है? ओके, नेटवर्क इशू हो गया था। सो जहां पे हम लोग मतलब सब्जेक्ट के ऊपर भार पड़ता है उसको हम सब्जेक्टिव केस में लेंगे सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है जो कि आप लोग जैसे जो हम काम कर रहे होते हैं, जिसका भार जो है, जिसका काम जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है, मतलब जो काम को रिसीव करता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्टिव केस क्लियर? साउंड आ रही है? ओके, आगे मैं बता रही हूँ आपको ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ पे लगता है? ऑब्जेक्टिव केस लगता है आपका, देखो पहले तो ऑब्जेक्टिव केस का हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ। जैसे आप लोग वॉइस में पढ़ते हो, आई का क्या हो जाता है? मी हो जाता है। वी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है। यू बोलता है कि मुझे सिंगुलर प्लूरल एक जैसा ही रहना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी वैसे ही रहता है। दे का क्या हो जाता है? देम। ही का क्या हो जाता है? हिम। और शी का, हर। और इट का, इट ही रहता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसका ऑब्जेक्टिव केस कहाँ कहाँ पे यूज होता है। पहले ही बता चुकी मैं आपको कि जहां पे जो काम रिसीव करता है, मतलब जिस काम का भार जो है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है उसको सेंटेंस के अंदर, वहां पे हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेती हूं, मैं उसे बुलाता हूं, ठीक है, मैं उसे बुलाता हूं। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट कुछ काम कर रहा है, सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा यहाँ पे। अब सब्जेक्ट क्या कर रहा है? उसे बुलाता है। भार किसके ऊपर है? उसके ऊपर, उसको आना है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट उसे हम ही तो लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो ही का क्या हो जाता है? ही तो डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या लिखवाया मैंने आपको? हिम। तो हम यहाँ पे हिम का यूज करेंगे, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? आई कॉल हिम। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाएगा यहाँ पे। क्लियर? अब एक और एग्जांपल ले लो। तुम मुझे पढ़ाते हो, राइट? अब तुम मुझे पढ़ाते हो, कौन पढ़ा रहा है? तुम पढ़ा रहे हो किसको? मुझे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? मुझे की इंग्लिश क्या होती है? मी होती है, सॉरी आई होती है, मतलब आई होती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा इसका? आई का मी हो जाएगा। तो यहां से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यू टीच मी,
ये हो गया आपका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया हमने. क्लियर हो गया यहाँ तक? एनी डाउट रिगार्डिंग दिस केस? अब आता है आपका पोजेसिव केस. जैसा कि आपका पोजेसिव केस वर्ड से ही समझ आ रहा है, पोजेशन. पोजेशन क्या होता है? पोजेशन मीन्स जिस चीज के लिए आप बहुत जेलस फील करते हो. जैसे जब आप किसी भी चीज पर या किसी भी इंसान पर या मतलब किसी के भी ऊपर अपना हक जमाते हो, ठीक है, अपनी ओनरशिप जो है वो उसको बताते हो, तो वो होगा आपका पोजेसिव केस. मतलब ये मेरी किताब है, ये मेरा घर है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा मोबाइल है, मतलब मैं, ठीक है. जो इस चीज जैसे जो सेंटेंसेस आते हैं वहां पे हम पोजेसिव केस का यूज करते हैं. पहले पोजेसिव केस लिख लेते हैं, ठीक है. यहाँ पे हो जाएगा आपका माई, और यहाँ पे माइन भी लिख लेना, ये माइन वाला भी फिर समझाती हूँ आपको. देन आ गया आपका आर्ट एंड आर्ट्स, देन योर्स, आगे देयर और देयर्स, आगे आ गया आपका हिज, इसका हिज रहेगा, और आपका यहाँ आ गया हर एंड हर्स, और इट का आ गया इट्स. इट्स जो है वो बहुत कम यूज होता है फिर भी. अब देखिए पोजेसिव केस का यूज हम कैसे करते हैं. हाँ जी, यहां तक समझ आ गया ना? पोजेशन कहते किसको है, मतलब जो भी आप किसी भी चीज पे अपनी ओनरशिप का इस्तेमाल करते हो, बताते हो कि ये मेरी चीज है, तुम्हारी नहीं है, ठीक है, तो उस चीज को हम पोजेसिव केस में लेते हैं, ठीक है. तो अब हम लोग इसमें सेंटेंसेस लेते हैं कि जैसे दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन. पोजेसिव केस कहाँ लगा है? माय पे. किसका पेन है ये? मेरा है, ठीक है, मेरा पेन है, मैं तुम्हें क्यों दूं? तो इस तरह से हम लोग जो है वो अपना पोजेशन यूज करते हैं, ठीक है. एक और ले लेते हैं, दैट इज हिज हाउस. वो किसका घर है? उसका घर है, ठीक है. ये आ गया आपका हिज, जो है वो पोजेशन शो कर रहा है कि मतलब पोजेसिव केस लगा हुआ है यहाँ पे. ये समझ आ गया आपको पोजेसिव केस कहाँ पे लगाया जाता है? बस इतना ही सारा आ जाएगा, ये मेरा घर है, ठीक है, ये मेरी वॉच है, दिस इज माय पेन, दिस इज माय हाउस, ठीक है, दिस इज योर वॉच. जिस जहां पे हम मतलब मैं को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वहां पे हम लोग पोजेसिव केस का यूज करते हैं. क्लियर? इज दैट क्लियर? एनी डाउट यहाँ तक? यस. ओके, नेक्स्ट देखो, जहां पे मैंने आपको बताया कि सेकंड वाला, ओके, जो सेकंड वाला है ना, ये जो मैंने आपको बताया कि अब मैं इसका यूज बताऊंगी आपको कि ये माइन, आर्स, योर्स, देयर, हर्स, ये कहाँ पे लगाया जाता है, ये थोड़ा सा ध्यान देना कहाँ पे लगाया जाता है इसको. देखो हिंदी में दो सेंटेंस ले रही हूं मैं, जरा ध्यान से समझना इसको. ये मेरी किताब है, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ये किताब मेरी है, ये किताब मेरी है. अब ये बताओ मेरे को, इन सेंटेंसेस में कोई आपको फर्क लग रहा है? इस सेंटेंसेस में कोई फर्क लग रहा है आपको?
देखो ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है, दोनों ही सेंटेंस जो है वो सेम है। इसमें कोई भी हिंदी में अगर आप देखोगे तो इसमें सेंटेंसेस में जो है वो कोई भी मतलब डाउट नहीं है, दोनों का जो अर्थ है वो एक ही निकलता है कि ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। बट अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो इनकी जो मतलब प्रोनाउंसिएशन है, इनकी जो सॉरी इनका जो ट्रांसलेट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये मेरी किताब है, ये देखो ये है, ये पॉजेसिव केस यूज हो रहा है, मेरी किताब, ठीक है, मतलब माई बुक। माई ये क्या है आपका, किताब क्या है, किताब आपकी नाउन है, यहाँ पे बुक है। चलो पहले ये लिख देती हूँ फिर समझाती हूँ। दिस इज माई बुक, ठीक है। यहाँ पे आपका सिंपली क्या लगा है, पॉजेसिव केस लगा है, सिंपल लगा है, माई लगा है, मतलब फर्स्ट वाला पोजेसिव में फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया था माई वो लगा है। बट अगर मैं इसकी बात करती हूँ, ये किताब मेरी है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दिस बुक इज माइन। अभी बताती हूँ कैसे और क्यों। सॉरी, दिस बुक इज माइन। देखो अगर आप पोजेशन वाला वर्ड जो है वो लास्ट में होगा, ये वाला मेरी, ये वाला अगर लास्ट में होता है वर्ड, तो आप लोग क्या सेकंड वाला यूज करोगे केस, ये जो माइन है ये वाला केस आप यूज करोगे। थोड़ा सा ये डिफरेंस है बट थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, ठीक है। अगर नाउन से बाद में है, मैं बार बार फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, अगर ये वाला केस जो है मतलब किताब किसकी है, मेरी है, अगर नाउन से, ये क्या है आपका नाउन है, किताब क्या है आपकी नाउन है, तो अगर नाउन के बाद वाला पोजेशन हो तो आप लोग सेकंड वाले केस का यूज करोगे, मतलब माइन का यूज करोगे। बट अगर जो नाउन है मतलब पोजेशन केस, जो पोजेसिव केस जो है वो पहले है नाउन से, मतलब ये मेरी किताब, तो आप माई बुक का यूज करोगे। समझ आया, समझ आया आपको। एक और एग्जांपल से समझते हैं। ये आप मुझे बताओगे अब, ठीक है। यह तुम्हारी घड़ी है, ये तुम्हारी घड़ी है, ठीक है। और सेकंड सेंटेंस लेती हूँ मैं, ये घड़ी तुम्हारी है, बताइए। दिस इज यस, इसमें क्या आ जाएगा, जो आपका नाउन है उसके पहले क्या है, पोजेशन केस जो है वो पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, दिस इज योर वॉच, राइट। और इस केस में क्या आ जाएगा, दिस वॉच इज योर्स। समझ में आ गया, डिफरेंस समझ में आ गया आपको कि किस तरह से आपने केस जो है वो अप्लाई करना है इसमें, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड आपका पोजेशन, ठीक है। एक बात और बताती हूँ आपको कि देखिए जो आपके ये वाले हैं ऑब्जेक्टिव केस जितने भी होते हैं आपके, जैसे मी है, अस है, यू है, देम है, सॉरी ये वाले केस, माई यो आर योर देयर, ये वाला जो फर्स्ट वाले केस हैं उनको हम एडवर्ब की सॉरी एडजेक्टिव की तरह लेते हैं। एडजेक्टिव मतलब उनमें कुछ क्वालिटी होती है, क्वालिटी मतलब खासियत शो करता है वो, ठीक है। और जो ये वाले होते हैं आपके माइन आर योर देयर,
इनको हम प्योरली प्रोनाउन की तरह से लेते हैं। जब आप एडजेक्टिव पढ़ोगे ना आगे वाला ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नेक्स्ट स्टेप आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना सा याद रखना है आपने कि माइंड कहाँ पे लगाया जाता है, आर्स योर्स कहाँ पे लगाया जाता है, बस इतना सा आपने लोगों ने ध्यान रखना है। वे भी इस तरह से अगर आपको मतलब एग्जाम में आए तो आप लोग कर सकते हो, जैसे यू हैव गिवन ए सेंटेंसेस दिस स्कूल इज, ऑप्शंस हैं योर आर आर्स योर्स, आप क्या फील कर सकते हो आप, दिस स्कूल इज डैश, आर्स भी आ जाएगा योर्स भी आ जाएगा, ठीक है। दिस स्कूल इज आर, ये हमारा स्कूल है, ये स्कूल हमारा है, ठीक है। इस तरह से मतलब नाउन के बाद अगर आप लोगों का हाँ आर्स योर्स, अगर ये बस ये बात ध्यान रखनी आपकी कि अगर नाउन से पहले ये नाउन है, नाउन से पहले अगर आप लोगों का ये पोजेशन केस है तो ये आ जाएगा, और नाउन के बाद है अगर तो ये वाला केस लगाओगे आप, ठीक है। योर्स लिख लो, योर्स लिख लो, मैंने ऑप्शन ही मे बी वो गलत दिए हैं आपको तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। वहां पे हो सकता है कि कुछ और हो, जरूरी थोड़ी है कि ये तो मैंने हाँ तो स्कूल तो सभी का है, इसमें कुछ नहीं है, मैं तो आपको बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दे रही थी, इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, कहीं से उतारा नहीं है मैंने, अभी जस्ट मेरे माइंड में आया मैंने दे दिया, मे भी कुछ और ऑप्शन आ जाए आप, वैसे तो योर्स भी हो सकता है आर्स भी हो सकता है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो अभी यहां तक आ गया समझ, अब थोड़ा सा जो है हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से, 5 मिनट्स हैं, ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट है आपका राज एंड मी वेंट टू मार्केट, अब बताइए कि ये सेंटेंस राइट है, राज एंड मी वेंट टू मार्केट, पहले इसको थोड़ा हिंदी में देखो, राज और मैं कहाँ गए, मार्केट गए, ठीक है। तो कौन सा केस लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगा है, दोनों ही सब्जेक्ट है, राज भी मार्केट जा रहा है और मैं भी जा रहा हूँ, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस थोड़ी लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस क्यों लगाएंगे हम, वेरी गुड, या वेरी गुड, देखिए यहाँ पे आई आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों ही सब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करेंगे, राइट, वेरी गुड। आगे है शी इज फास्टर, सॉरी शी इज एज फास्टर एज आई, यहां पे बताइए, ठीक है, नहीं ये रॉन्ग है, क्यों, इसका भी एक रूल्स ध्यान से सुनना, जहां पे कंपैरिजन होता है, किसका कंपैरिजन, शी का कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, आई के साथ में हो रहा है, जब भी किसी चीज का कंपैरिजन हो किसी के साथ में भी, तो यहाँ पे भी हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव ही सब्जेक्टिव केस ही लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आई ही रहेगा, दिस सेंटेंस इज राइट, ठीक है, आई का नहीं, आई का मी नहीं होगा, मैंने आपको बताया इसका एक रूल है, जहां पे सब्जेक्टिव केस में इसके साथ में किसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है, शी का आई के साथ में कंपैरिजन हो रहा है, जहां भी हम लोग किसी का किसी के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग जो है वो यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो सब्जेक्टिव केस का ही यूज करते हैं, क्लियर, यस। अब एक और सेंटेंस देखना, ही इज वाइजर देन मी, ओके I will repeat this tweet. मैं ये कह रही हूँ, ध्यान से सुनो, जहां पे किसी भी चीज का कंपैरिजन किया हो, देखो कंपैरिजन किया है, she is as faster as I, मतलब
वो मुझसे भी ज्यादा फास्टर है, ठीक है, फास्ट है, मेरे से बहुत ज्यादा फास्ट है। तो क्या है यहाँ पे कंपैरिजन किया है, ये कौन सी फॉर्म लगी है आपकी थी, वो जो फॉर्म लगी है फास्टर, कंपैरिजन किया गया है शी और आई में, ठीक है। तो जहां पे किसी भी चीज का कंपैरिजन हो, नाउन प्रोनाउन के बीच की बात कर रही हूँ, प्रोनाउन के बीच में अगर कंपैरिजन हो किसी भी चीज का, तो दोनों ही तरफ में हम लोग सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। अब बताइए मुझे, 1 मिनट रह गया है, बस मीटिंग लीव हो जाएगी। ही इज वाइजर देन मी, इज दिस राइट और रॉन्ग? दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? ही इज वाइजर, यहाँ पे क्या है, वाइजर है। ऑल्सो क्या हो रहा है यहाँ पे, कंपैरिजन हो रहा है किसके बीच में, ही एंड आई के बीच में, तो दिस वन इज रॉन्ग, ये रॉन्ग सेंटेंस है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये रॉन्ग है, यहाँ पे आ जाएगा आई, ही इज वाइजर देन आई। क्लियर? इज दैट क्लियर? लेकिन आपने प्रोनाउन के बीच में वो देखना है, ठीक है, ये प्रोनाउन की बात कर रही हूँ। 1 मिनट इज लेफ्ट नाउ, सी द वन मोर सेंटेंस। द टीचर, द टीचर टोल्ड, ये बीच में कल मैंने आपको नाउन पढ़ाया था, बीच में आकाश आ रहा है, आकाश क्या है यहाँ पे, आकाश क्या है, प्रॉपर नाउन, मेटीरियल नाउन, कॉमन नाउन, बट इज आकाश, कल मैंने करवाया था ना आपको ये सारा। यस, वेरी गुड। द टीचर टोल्ड आकाश एंड मी टू आवर होमवर्क। द टीचर टोल्ड, अब टीचर क्या बता रहा है, पहली बात तो ये देखो सब्जेक्ट कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, टीचर है, तो ये क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस जो है वो राइट है या रॉन्ग है?